इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। बेलगाम शहर और अतराफ में कोरोना का असर बिल्कुल घट गया है, जिससे किसी तरह की पाबंदियां आयद करने का सवाल ही नहीं उठता। लिहाजा बेबुनियाद अफवाहों पर तवज्जो ना दे। तकरीबन 3,000 से भी ज्यादा कॉलेज तलबाओं की स्वैब टेस्टिंग की गई, जिसमें सिर्फ 10 अफराद पॉजिटिव पाए गए। बेलगाम जिला वजीर रमेश जारकीहोली ने खतरा अभी टला नहीं का नारा वैसे भी लगाया है। अब आने वाले 6 महीने बेलगाम वालों के लिए बहुत ही खास होंगे, क्योंकि ये 6 महीने सियासी सरगर्मियों में गुजरने वाले हैं। उमूमन यह भी कहा जाता है कि अक्सर चुनाव के वक्त कोरोना का असर कम ही होता है, क्योंकि चुनावी इजलास में भीड़ की जरूरत होती है और भीड़ के बगैर चुनाव जीतना भी मुश्किल होता दिखाई देता है। आपने बिहार या अभी हैदराबाद म्यूनिसिपल इंतखाबात में हजारों की भीड़ इकट्ठा की जा रही थी। अमित शाह से लेकर तमाम भाजपा लीडरान कारपोरेशन चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियों का एहतमाम कर अपनी कुव्वत का मुजाहरा कर रहे थे, और बेचारे किसान ठिठुरती सर्दी में अपनी मांगों को लेकर एहतजाज कर रहे थे। और भाजपा की जानिब से यह तर्क भी दिया जा रहा था कि यूं कोरोना दौर में लाखों की भीड़ में किसानों को एहतजाज नहीं करना चाहिए, मतलब चुनाव के लिए भीड़ अगर है तो कोरोना भाग जाता है, और अगर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे तो कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। लिहाजा इसी के मद्देनजर कोरोना का असर बेलगाम और अतराफ में भी कम हो सकता है, ऐसा आवाम का कहना है। किसी हाल में भाजपा की हुकूमत तालुका ग्राम पंचायत म्यूनसिपल इंतखाबात में भी तसल्लुत रहे, इसके लिए भाजपा के दिग्गज कायद कहीं बेलगाम ही तशरीफ ना लाए, ऐसा भी कहा जा रहा है। अमित शाह योगी तो कहीं बेलगाम शहर में नहीं आएंगे, तो इस तरह के भी इम्कान जाहिर किए, क्योंकि जिस तरह से हैदराबाद कॉरपोरेशन इंतखाबात में इन लोगों ने हाजिरी लगाई है, ऐसा लगता है कि शायद देश के तकरीबन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या ग्राम पंचायत में ये लोग जा सकते हैं। खैर, बेलगाम जिला में ग्राम पंचायत चुनाव का ऐलान किया गया है। 2 मरहलों में चुनाव होंगे। पहले मरहले के लिए 22 दिसंबर को वोटिंग होगी, तो दूसरे में 27 दिसंबर को होगी। बेलगाम खानापुर हुक्केरी बैलोंगल कित्तूर गोकाक मुडलगी के लिए वोटिंग 22 तारीख को होगी, तो चिक्कोड़ी निपानी अथनी सौंदती रामदुर्ग रायबाग कागवाड़ के लिए 27 तारीख को वोटिंग की जाएगी। लिहाजा जाब्ते अखलाक यानी कोड ऑफ कंडक्ट बरोस पीर से ही जारी किया गया और तमाम इज्तमाही इजलास मीटिंगों पर पाबंदी लगा दी गई है। क्या निजी स्कूलों को बंद करने की नौबत आई हुई है? यकीन नहीं आता, पर यह सच्चाई है कि तकरीबन 10% से भी ज्यादा स्कूल कोरोना आलमी वबा के मद्देनजर जबरदस्त घाटे में चल रहे, जिसके नतीजे में स्कूलों को बंद करने की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। तालीमी महकमा के अफसरान ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि कोरोना लॉकडाउन के चलते पिछले 9 महीने से भी ज्यादा अरसे से स्कूलों को बंद किया गया है, जिसकी वजह से माशी मुसीबतों में निजी स्कूल फंसे हुए। अभी तक कोई पुख्ता फहरिस्त हासिल नहीं हुई है, पर 10% से भी ज्यादा स्कूलों के बंद होने के इम्कान का इजहार किया जा रहा है। कई स्कूलों के अखराज मुकम्मल करने को लेकर निजी स्कूल के जिम्मेदार परेशानी में मुबतला है। रियासत में कुछ खासगी यानी निजी स्कूलों को शुरू किया गया है, पर स्कूलों में भी फी अदा करने को लेकर वालिदैन भी खामोशी इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। अक्सर बंद होने वाले स्कूल हाल ही में शुरू किए हुए हैं। गैर इमदादी यानी अनएडेड स्कूलों को कोरोना का जबरदस्त नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से असातिज़ाओं को या स्टाफ को तनख्वाह अदा करना बेहद मुश्किल हो चुका है। कई स्कूलों में टीचर्स को दूसरी तरफ जाओ कहा जा रहा है, अब तो आधी तनख्वाह भी अदा नहीं की जा रही। लिहाजा 10% से भी ज्यादा स्कूलों के बंद होने की इत्तला हासिल हो रही है। जहां निजी स्कूलों को चलाना मैनेजमेंट के लिए मुश्किल होता जा रहा है, वही सरकारी स्कूलों की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलने लगी है। हासिल इत्तला के मुताबिक अब हुकूमत ने भी अजीब हुक्म नाजिल करते हुए कहा कि अगर स्कूलों की मरम्मत या स्कूल की दीवारों को रंग लगाना है तो चंदा या इमदाद देने वाले अफरादों को तलाश करो। यह मशवरा कुछ अजीब लग रहा है, पर अब हुकूमत भी कोरोना का बहाना बताकर स्कूल की मरम्मत या दीवारों को रंग लगाने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई रकम मंजूर नहीं की गई। लिहाजा स्कूल के जिम्मेदार किसी शख्स को तलाश करे
जहां से मरम्मती काम या रंग लगाने के लिए इमदाद हासिल हो सके। पिछले कई महीनों से स्कूलों को बंद रखने की वजह से दीवारों पर शरपसंदों की जानिब से तस्वीरें या कुछ लिखा हुआ मजमून पाया जा रहा है, पर अजीब मशवरा देते हुए किसी तंजीम इदारे या वालिदैन से मरम्मत या रंग की रकम लेने को कहा गया। ये भी सच्चाई है कि स्कूलों की मरम्मत या रंग के लिए पिछले साल इमदाद तो दी गई थी, पर इस इमदाद में भी कुछ लोग हाथ गीले करते हैं, या तो इमदाद ही कम हासिल होती है जिससे मियारी काम नहीं होता, और बारिश में पानी टपकना या दीवारों में दरारें देखी जाती है। निजी स्कूलों की कहानी एक तरह की तो सरकारी स्कूलों की दास्तान, और हुकूमत का अजीब मशवरा ये मौजू फिलहाल जेर बहस है। वैसे तो हुकूमत की जानिब से कई स्कीमों का ऐलान बार बार किया जाता है बच्चों की सेहत को लेकर, और बच्चों की तंदुरुस्ती को लेकर भी रियासती और मरकजी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों का ऐलान किया जाता है, पर बेलगाम जिला बच्चों की गिजाइत यानी कुपोषण में पहला नंबर हासिल किया हुआ है, जो बेहद अफसोसनाक है। कुल कर्नाटक रियासत में 35% बच्चे गिजाइत के शिकार हैं, जिसमें बेलगाम सबसे ज्यादा यानी 38% से भी ज्यादा पाए जाने की रिपोर्ट हासिल हुई है। बच्चों में खून की कमी की तादाद भी बेलगाम में ज्यादा पाए जाने की तलाश हासिल हुई है। कोरोना के दौर में बच्चों में गिजायत की कमी के फीसद में इजाफा हुआ था। बच्चों की सेहत के लिए मुख्तलिफ स्कीमों का ऐलान भी रियासत हुकूमत ने किया था, पर बेलगाम जिला बच्चों की गिजायत में अव्वल होने की रिपोर्ट हासिल हुई है। कम वजन के बच्चों की तादाद भी बेलगाम जिला में ज्यादा होने की बात कही जा रही है। क्या सेहत महकमा इस तरफ तवज्जो देगा? ऐसा भी सवाल बार बार किया जाए। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।